नॉट पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें पॉलिनोमियल्स कितने पॉलिनोमियल्स नहीं है, और हाउ मेनी ऑफ अबाउट 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने हैं, कितने नॉन पॉलिनोमियल है, करते हैं, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे 10 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इसमें कितने, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है, पॉलिनोमियल में कंडीशन क्या है, पावर शुड बी होल नंबर, इसके पास होल नंबर में चाहिए। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इसका पावर आ जाएगा 3 होल टू द पावर 1/2, फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर में नहीं आएगा, देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक हो गया, ये कॉन्स्टेंट में 7/2 है, इसको ले सकते हैं, पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया है वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है, कितने हुए, 1, 2, 3, 3 पॉलिनोमियल नहीं है, टोटल 10 में। नेक्स्ट, कितने इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे है हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 के कितने हैं, यहाँ पे 1, 2, तो 2/10, इसको आप फिर से डिवाइड कर सकते हो, इज इक्वल टू 1/5। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22nd, ये चाइल्ड हैज डाई हू सिक्स फेसेस शो द लेटर्स एज शोन बिलो, यहाँ पे डाई का 6 लेटर्स दिया हुआ है, ए डाई थ्रोन इन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, यहाँ पे ये दो टू टाइम है तो फिर 2/6 हो जाएगा, एक मिनट करते हैं, चलो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे डाई दिया हुआ है, डाई के 6 फेसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है गेटिंग ए, फर्स्ट वन ये फाइंड आउट, ये कितने बार आया है, 1, 2, 2/1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसको आप फिर से डिवाइड कर सकते हो, 1/3 गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 1/3 या फिर 2/6 लिख सकते हो, गेटिंग बी इज, बी कितने बार है, 1 बार है, टोटल डाइस कितने हैं, 6, तो 1/6। नेक्स्ट वन इज 23, इन द फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट 4, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ, ये आपको मैं करके दिखाती हूँ, चलो। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ए बी सी 1 ट्राइंगल, बी सी डी 1 ट्राइंगल, हमें एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ बोल के प्रूव करना है। तो गिवन गिवन ए बी सी परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल डी बी सी, ये दिया हुआ है सेम बेस में, ऑन सेम बेस एंड ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ओ, ए डी एंड बी सी इंटरसेक्टिंग एट ओ, इतना तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ प्रूव करना है, आप यहाँ पे लिख लो टू प्रूव पे। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी सी, इसे हम ये दे देंगे, और यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन बी सी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, वैसे ही डी एफ परपेंडिकुलर टू, डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है, अभी प्रूफ करते हैं। प्रूफ कुछ नहीं है, ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बताना है, यहाँ पे प्रूफ कर देंगे, प्रूफ तो। नेक्स्ट आर वाला क्वेश्चन, 23 में आर वाला क्वेश्चन है, इन द फिगर ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर मीन्स डी हो गया 90 डिग्री, देन प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये मैं सारे आपको और वाले क्वेश्चन भी करके दिखा रही हूँ, आपको जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी
AD perpendicular to BC, therefore this angle will be 90 degree. ये angle 90 degree हो जाएगा. बस आपको पाइथागोरस डालना है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल का. पाइथागोरस डालो, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABD के लिए कर देंगे 90 डिग्री. जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज साइड होता है. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. नेक्स्ट वो ट्रायंगल के लिए ले लेंगे. ट्रायंगल ABC के लिए हाइपोटेन्यूज साइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना है तो जो नीचे वाले हैं उनको साइन चेंज कर देंगे. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो साइन माइनस हो जाएगा. प्लस है कुछ भी नहीं है मीन्स प्लस. उसका साइन चेंज करना है माइनस को. यहाँ पे भी प्लस है, साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा. यहाँ पे भी प्लस माइनस. नाउ अभी इसको माइनस करेंगे. AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर ऐसे भी लिख लो इज इक्वल टू. आप इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे, इजीली कैंसिल कर सकते हैं. AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर साइन चेंज. यहाँ पे प्लस AD माइनस AD स्क्वायर कैंसिल. यहाँ पे आ गया BD का माइनस DC होल स्क्वायर. अभी AB CD और DC को इधर ले लेंगे. जो हमें प्रूव करना है उसको ध्यान रखते हुए माइनस से इधर आ जाएगा. इसको ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है. डी यहाँ पे जो बचा है DB स्क्वायर माइनस से इधर आ गया तो AC स्क्वायर. हमें यही प्रूव करना था. AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सो प्रूव. नेक्स्ट वन हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा. ये प्रूव करना है. चलो प्रूव कर लेंगे. तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा. प्रूव करना है, कुछ नहीं है. इसको एलसीएम ले लेंगे हम. 1 और 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा का एलसीएम क्या होता है? 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा. तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट. प्रूव करना है, लिखते जाएंगे. नेक्स्ट कॉट स्क्वायर को स्प्लिट कर लेंगे. 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर को हम कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख लेंगे. 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा जो अपॉन में है वो एज लिख लेंगे. प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल. हम कोसेकेंट अल्फा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर कोसेकेंट अल्फा इन दोनों में कोसेकेंट अल्फा कॉमन निकाल लेंगे. कोसेकेंट अल्फा कॉमन, यहाँ पे बचा 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा अपॉन में 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा. 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा 1 प्लस कोसेकेंट अल्फा गेट कैंसिल. LHS इज इक्वल टू RHS. ट्वेंटी फोर्थ में आपको आर वाला शो करना है. टेन पावर फोर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड पावर फोर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा. तो ये भी आपको मैं करके दिखाती हूँ. चलो देखते हैं. तो इसको हम प्रूव करना है सेकेंड पावर फोर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा. पहले कॉमन ले लेंगे टेन स्क्वायर थीटा कॉमन. यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा. ये तो पता है. टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये एज इट इज लिख लेंगे. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर सेकेंड पावर 4 थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS रूट. यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है. फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. आपको मोड का फॉर्मूला डाल के करना है. लेंथ फ्रीक्वेंसी F0 F1 F2. चलो देखते हैं, सॉल्व करती हूँ. पहले
मोड फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मोड का फॉर्मूला, इसमें हम इस टेबल के जरिए से एल एफ वन एफ जीरो एफ टू एच एन एच फाइंड आउट करेंगे। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा एफ वन, उसके पहले वाला एफ जीरो, उसके बाद वाला एफ टू। यहाँ पे हमें एफ जीरो एफ वन एफ टू मिल गया। अभी एल एंड एच जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा एल, एल इज इक्वल टू 30 हो गया। अभी आप यहाँ पे लिख लो एफ जीरो 9, एफ वन 10, एफ टू 3, एल इज इक्वल टू 30। अभी हेच चाहिए, इन दोनों मीन्स जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस लेना है 5, हेच इज 5। अभी इनको यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है। एल कितना है 30 प्लस एफ वन इज 10, एफ जीरो इज 9, 2 इंटू एफ वन इज 10, एफ जीरो इज 9, माइनस एफ टू इज 3, एच इज 5। इसको हम सब्सटीट्यूट करके आंसर ले लेंगे 120 माइनस 12 5, 30 प्लस 1 बाई 8 इंटू 5, 30 प्लस 5 बाई 8 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 8, 30 इंटू 8 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी, 30 इंटू 8 248 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 253/8। आप डिवाइड कर लो, डिवाइड होके आंसर आएगा 31.625, मोड है 31.625। नेक्स्ट वन आ जाते हैं 26 क्वेश्चन पे, जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करो, शेयर करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, उसका हाइट है 14 सेंटीमीटर, रेडियस इज 6। ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग। उस सिलेंडर में हम सेम हाइट और सेम बेस वाला कोन को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग जो बचा होता है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को हमें माइनस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। हाइट दिया हुआ है 14, बेस रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड आउट करना है रिमूव करने के बाद, तो इन दोनों को हमें माइनस कर देना है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम कॉमन कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन, 1 माइनस 1/3। पाई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पाई वैल्यू इज 22/7, आर वैल्यू गिवन 6 × 6, एच वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 14। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 2/3 आएगा। नाउ जो कुछ भी कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे, 7 1 7 2 3 1 3 2 सारे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर।